ये सवाल है किसी ऐसी मस्जिद की तामीर के लिए माली मदद करना जिस मस्जिद का इमाम और जो मस्जिद बनाई जा रही है उसके लोग शिर्क की हालत में हो, गैरुल्लाह को पुकारते हो, कब्रों पे सजदे करते हो, कब्रों का तवाफ करते हो, मरने वाले बुजुर्गों के नाम से मदद का सवाल करते हो, तो ये भाई मस्जिद बनाने वाला शिर्क की हालत में है और मालिक अज़्ज़ा वजल का फैसला है ला यग़फिरु अन युशरक बिह व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा, उसके अलावा जिसके जिस गुनाह को चाहेगा माफ़ कर देगा। तो ये मस्जिद बनाने वाले कब्र परस्त हैं, कब्रों को पूछते हैं, मुर्दों को पुकारते हैं, बेशक अपने ख्याल में वो अल्लाह का घर बना रहे हैं लेकिन हकीकत में वहाँ अल्लाह के साथ शिर्क होगा, तो ऐसे घर के अंदर चंदा देना, पैसे देना जायज नहीं है। मुनाफिकीन ने मस्जिद दरार बनाई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, सबब उसका मुसलमानों में इफ्तराक और इख्तलाफ था, उस मस्जिद को गिरा देने और जला देने का हुक्म मिला था। अगरचे वो मस्जिद थी लेकिन उसकी असास तकवा नहीं थी, उसकी असास कुछ और थी। जब ऐसी मस्जिद बनाई जाए जहाँ से या अली मदद या रसूलुल्लाह मदद के नारे लगे, जहाँ मुर्दों को दाता और मुश्किल कुशा और हाजत रवा कहे जाने का सबक मिले, तो कुरान हकीम रसूलुल्लाह सल्लम की तालीमात हमें उनके साथ ताबुन करने की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि हुक्म क्या है, तआवनु अलल बिर्री वत्तक्वा वला तआवनु अलल इस्मी वल उद्वान। नेकी के काम में मदद करो, बुराई के काम में मदना। इसको यूं ही मिसाल ले लो, अल्लाह के नाम पे केसटें बांटी जा रही हैं दीन सिखाने की, एक केसट जो तौहीद की दावत देती है और एक केसट शिर्क की दावत देती है। आपने कहा जी है तो अल्लाह का ना ही, मौलवी तो दो पास ही ने, केड़ी वंडोगे? जिसमें दावत तौहीद होगी, जिसमें कुरान की बातें होंगी और जिसमें अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बातें होंगी, उस केसट को आप नहीं बांटोगे। तो वो मरकज बनाना कैसे जायज है जहां पर अल्लाह के अंबिया को अल्लाह के नूर का टुकड़ा समझा जाए, जहां पर ये आवाज लगे अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर का टुकड़ा है और उन पर सलामती हो। और ये कुरान हकीम हमारे हाथ में है, सूरत कहफ 16वां पारा आखिरी आयत, घर जाके घर में रखे हुए कुरान को खोल के पढ़िए। मालिक ऐलान करवाता है, कुल ऐ नबी कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा इंसान हूं, यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, मुझ में और तुम में फर्क यह है कि वही जब भी आती है वो रसूलुल्लाह पर आती है, किसी और पर नहीं आती। मुझ में और तुम में फर्क क्या है, पूरी कायनात को एक पलड़े में डाल दिया जाए और इमाम कायनात को एक पलड़े में डाल दिया जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पलड़ा कायनात पे भारी है, लेकिन नबी बशर है, दो आंखें एक मुंह दो कान दो टांगे दो हाथ दो पांव पेट, वो तमाम चीजें एक इंसान के साथ होती है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपका बाप है तो नबी के बाप भी थे, आपकी माँ है तो रसूलुल्लाह की वालदा भी थी, आपके चचा है तो नबी की चचा भी थी, आपकी बेटी है तो रसूलुल्लाह की बेटी थी, आप शादी करते हो तो नबी ने भी शादी की, आपके बच्चे होते हैं तो नबी के बच्चे थे, आपको भूख लगती है तो नबी को भी भूख लगती है, आपको तकलीफ आती है तो नबी को भी बुखार होता था, है बशर, लेकिन कायनात में उस जैसा कोई और ना पैदा हुआ है ना होगा ना हो सकता है। औलाद आदम के सरदार मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जब नबी ने कह दिया ला तथरूनी कमा अथवत नसारा ईसा बिन मरियम, मुझे मेरी शान से ऐसे ना बढ़ा देना जैसे ईसाइयों ने ईसा को बढ़ा दिया था, मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह का रसूल। अब जिस मस्जिद में ये आवाज़ा लगे कि नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नूर का टुकड़ा है, नूर मिन नूरिल्लाह है, ये अकीदा
शिर्क का अकीदा है। कुरान बयान करता है सूरत मरियम है आयत नंबर 90 है, घर रखे हुए कुरान को खोल के पढ़ना, तकादु समावातु यतफत्तरन मिन वतंशक्कुल अर्ध वतखिरुल जिबालु हद्दा अंदउ लिर्रहमान वलदा, करीब है आसमान फट जाए, जमीन फट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, जालिमों ने अल्लाह का बेटा बना दिया। तो जहां ये अकीदे फैलाए जाए वहां तआवुन करना हराम। हमारा मसला ये है कि हमारी वर्कशॉप है लोहे की, हर वक्त शोर गुल रहता है, क्या इसमें हम कुरान हकीम की तलावत लगा सकते हैं? शोर भी बहुत है। दूसरी बात यह कि केसर की आवाज़ ऊंची होती है, इसलिए आदमी जब हमाम में जाता है तो तलावत की आवाज़ वहाँ भी आती है। क्या ये जायज़ है कि आदमी हमाम में बैठा और तलावत की आवाज़ भी उसके कान में? कोई हर्ज नहीं, आप वर्कशॉप में हैं, वर्कशॉप में काम हो रहा है और शोर है, लोहा कट रहा है, आ रहा है, गिर रहा है, लेकिन आप अपने पास ऊंची आवाज़ से तलावत लगा देते हो और आप उसको सुनते रहते हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं। और आप ही हो, आप बाथरूम जाने लगे हो तो उसको बंद कर दो, वापस आओ तो फिर जहाँ से छोड़ी थी वहीं से सुनना शुरू कर दो। वल्लाहु आलम। सुभानक अल्लाहुम्मा हमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।